बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आकृति 6.36 में क्या आर बटे में क्या एस बराबर है क्या टी बटे में पी आर तथा कोण एक बराबर है कोण दो। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्या एस समरूप है त्रिभुज टी क्या आर के। तो ये हमें दो त्रिभुजें समरूप दिखा रही है। अब देखो हमारे पास एक तो दिया गया था कि क्या आर बटे में क्या एस बराबर है क्या टी बटे में पी आर, ये हमने लिख दिया। और एक बताया गया है कि कोण एक और कोण दो बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब देखो त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रही है। एक तो ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए कि जिनको समरूप दिखाना है उनको आइडेंटिफाई करना है पी क्यू एस, एक तो ये त्रिभुज है और एक है त्रिभुज टी क्यू आर। टी क्यू आर यानी कि ये पूरी त्रिभुज है, दो त्रिभुजें हैं हमारे पास, इनको हमें समरूप दिखाना है। और ये जो दिया गया है इसको जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप आंसर पे नहीं पहुंचोगे। अब आप एक बार देखो कि जो हमारे पास छोटी त्रिभुज है वो क्या है, छोटी त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू एस और जो बड़ी त्रिभुज है वो है हमारे पास टी क्यू और आर, ये हमारे पास है। अब आप देखो एक तो है हमारे पास पी क्यू एस और एक है टी क्यू आर। टी क्यू आर तो हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। अब देखो आप इसको अगर आप ध्यान से देखें, एक तो त्रिभुज होगी पी क्यू एस और एक होगी टी क्यू आर। तो ये जो क्यू कोण है ये दोनों में आ गया ना, तो ये दोनों में आ गया तो इसका मतलब ये कोण तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुज होगा। तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है हमारे पास, एक तो है पी क्यू, एक है क्यू एस। पी क्यू देखो जो जो चीज दे रखी है उसमें कहीं पी क्यू है नहीं है, क्यू एस है ये। इसी तरह से इस कोण को बनाने वाली भुजाएं एक तो टी क्यू, टी क्यू है कहीं टी क्यू ये ना, टी क्यू या क्यू टी एक ही बात है। और दूसरी है हमारे पास क्यू आर, क्यू आर ये रहा, क्यू आर ये रहा और टी क्यू ये रहा। तो ये हम कौन सा नियम, ये तो पता चल गया हमें कि एस ए एस, एस ए एस समरूपता कसौटी लगेगी यहां पे। अब एक चक्कर आ गया कि पी आर है और हमारे पास क्या बन रहा है पी क्यू, यहां पे क्या हुआ है पी आर। तो कहीं ना कहीं पी आर और पी क्यू बराबर हो गए जरूर, तो उस उसको उस तक पहुंचने के लिए हमें ये नियम यूज करना पड़ेगा। अब आप देखो त्रिभुज कोण एक और कोण दो ये दोनों इस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक कोण दो के बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण दो के सामने भुजा है पी क्यू, पी क्यू तो कोण एक के सामने लिखते हैं पहले क्योंकि कोण एक लिखा हुआ है, तो कोण एक के सामने भुजा है हमारे पास पी आर, पी आर और कोण दो के सामने भुजा है पी क्यू, पी क्यू। अब देखो हमारे पास पी आर था यार आ गया लेकिन चाहिए क्या था हमें पी क्यू मिल गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। अब आप देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू आर
बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर। तो मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर की जगह पे लिख दिया पी क्यू। रीजन लिख सकते हो ये समीकरण तीन से, समीकरण तीन से, या फिर रीजन लिख सकते हो कि पी आर बराबर है पी क्यू। अब देखो हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज कौन सी पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, इनको समरूप दिखाना है। तो इनमें एक तो कौन, एक तो ये त्रिभुज होगी हमारे पास और एक ये पूरी त्रिभुज होगी, तो कौन क्यू बराबर है कौन क्यू, उभयनिष्ठ कौन, एक तो हो गया हमारे पास। अब इनको बनाने वाली भुजा कौन क्या होगा, देखो पी क्यू अगर हमने छोटी पहले लिखी है तो छोटी को ले रहे हैं पी क्यू, पी क्यू और बड़े की हमारे पास क्या बनेगी पी क्यू, ये देखो पी क्यू टी क्यू। तो इसका विलोम कर लेते हैं, इसका विलोम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा हमारे पास क्यू एस बटे में क्यू एस बटे में क्यू आर और ये हमारे पास पी क्यू बटे में क्यू टी, इनका विलोम कर दिया। अब ये यहां पे लिख दिया मैंने, इसे डायरेक्ट लिख दिया पी क्यू बटे में क्यू टी और क्यू एस बटे में क्यू आर, ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स बराबर वाई तो वाई बराबर एक्स एक ही बात है। तो मैंने ये पहले लिख दिया पी क्यू बटे में क्यू टी और क्यू एस बटे में क्यू आर, क्यू एस बटे में क्यू आर, ये हमने लिख दिया। अब आप देखें छोटे वाले त्रिभुज का पी क्यू, पी क्यू और बटे वाले त्रिभुज का टी क्यू या क्यू टी, ये आ गया बराबर है छोटे वाले त्रिभुज का क्यू एस, यही क्यों लेना है हमें, क्योंकि हमारे पास जो बराबर कोण था वो कौन सा आया था कोण एक या कोण क्यू, एक ही बात है, यहां कोण एक भी लिख सकते हो कोण क्यू भी लिख सकते हो, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण था। तो अब यहां से हमारे पास क्या है कि एक तो ये भुजा ले ली हमने पी क्यू, अब क्यू एस लेंगे तो क्यू एस आ गई और बटे वाले की क्या हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी, ये आ रहा है हमारे पास। तो एक कोण बराबर है और उसको बनाने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के अनुसार, हमारे पास त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगी त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमारे पास प्रूफ होगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि आपको पहुंचना कहाँ है, मतलब आपको समरूप दिखाना है तो समरूप में आपको क्या दिखाना है और उस क्या दिखाने में आप क्या यूज कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो फिर आपका काम हो गया। अब आपको देखो सिर्फ दो बातें इसमें मेनली सोच रही थी कि त्रिभुज कौन कौन सी है, तो हमने ये देखा कि एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, भाई इसमें ये एक कोण तो दोनों में आया हुआ है, यानी कि एक कोण तो बराबर हो गया तो दो भुजाएं समानुपात में दिखाने रहेगी। अब इसको बनाने वाली भुजाएं ये है और बड़ी त्रिभुज को बनाने वाली भुजाएं ये है, अब इसमें ये सारी आई हुई है एक पी आर को छोड़ के, उसकी जगह पी क्यू चाहिए था, यानी कि पी आर और पी क्यू बराबर होगा, वो हमने इस नियम से निकाला, क्योंकि दो त्रिभुज के अगर एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, इस नियम से हमने इनको बराबर दिखा दिया। तो हमने पी आर की जगह पे पी क्यू लिखा, हमारी कंडीशन पूरी होगी और हमने कौन सा भुजा कौन भुजा समरूपता कसौटी लगा दी, हमने हमारे पास आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।